के लिए लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, आप बोलेंगे जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, स्थापित किया है इन लोग को, न संविधान समझ में आता है न लोकतंत्र समझ में आता है, ये लोग संविधान की धजिया उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, मने में हैं ये लोग, इकट्ठे होकर भ्रष्टाचारी लोग परिवारवादी क्या करेंगे, यही होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया था और मंच पर जिस तरह से दो कुर्सियां अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए खाली छोड़ी गई थी, इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कटाक्ष किया है। नित्यानंद राय ने कहा कि वहां सिर्फ परिवारवाद है, इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव-गांव घर-घर पहुंच रही है। इन लोगों को संविधान समझ में नहीं आता, न लोकतंत्र समझ आता है, ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोले हैं कि लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, वहाँ सिर्फ परिवारवाद है और परिवारवाद और तुष्टिकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टिकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, जनता सब समझती है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और लोकतंत्र के सही पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा इस देश के गांव गांव घर घर कोने कोने पहुंच रही है और आज लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, इन लोग को न संविधान समझ में आता है न लोकतंत्र समझ में आता है, ये लोग संविधान की धजिया उड़ाते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। मोदी की गारंटी मतलब इस देश से 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लोग आ गए, मोदी की गारंटी है जिससे गरीबी मिट रही है, मोदी की गारंटी मुफ्त अनाज की, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की, गरीबों की इलाज की 5 लाख तक, मोदी की गारंटी किसानों को सही MSP पर खरीदगी की गारंटी, मोदी की गारंटी आत्म भारत निर्भर की गारंटी, मोदी की गारंटी रोजगार देने की गारंटी, मोदी की गारंटी सीमा की सुरक्षा की गारंटी, देश में शांति व्यवस्था की गारंटी, मोदी की गारंटी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और उसको ऊंचाई देने की गारंटी, उनके पास क्या गारंटी, उनके पास तो भ्रष्टाचार की गारंटी है इंडियन गठबंधन वाले के पास, उनके पास तो लोकतंत्र की हत्या करने की गारंटी है, अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार कर अरबों खरबों रुपया गरीबों के हक की मारी कर लूट लेने की है, उनके पास क्या है। लालू प्रसाद यादव जो है अपनी मोदी की गारंटी गरीबों का घर देने की, मोदी की गारंटी इज्जत घर बनाने की, मोदी की गारंटी हर गांव गांव बिजली पहुंचाने की, सड़क बनाने की और मोदी की गारंटी अच्छा रेलवे स्टेशन बनाने की, मोदी की गारंटी राफेल खरीदने की, मोदी की गारंटी कि अगर जरूरत पड़ा तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की, मोदी की गारंटी मतलब भव्य मंदिर का निर्माण, मोदी की गारंटी मतलब 370 धारा को समाप्त करना, मोदी की गारंटी यह है कि इस देश के लिए और इस देशवासियों के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको करने की गारंटी। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी को लोग समझ रहे हैं, तिवारी और लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी को मैदान में उतार रहे हैं, चुनावी मैदान। देखिए वो परिवारवाद की पार्टी है और आप देखे होंगे कि दो ही नहीं उनके परिवार के कई सदस्य हैं, उनके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटियां हैं, खुद रहे हैं माननीय राबड़ी जी रही हैं और न जाने कौन कौन जो जो चाहे सब उनको, उनकी तो परिवार की पार्टी ही है, परिवारवादी पार्टी है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, वो तो परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और परिवार के लिए ही जीते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जनता जब रूठ जाएगी तो मोदी जी हाथ मलते रह जाओगे। जनता मोदी जी से जुड़ती है,
इस देशवासियों के मन में मोदी जी हैं और 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के मन में हैं। ये लोग इकट्ठे होकर भ्रष्टाचारी लोग परिवारवादी क्या करेंगे, जनता इकट्ठी होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार करने वाली है। अरे जहां स्वार्थ की राजनीति होगी, जहां भ्रष्टाचार के लिए तुष्टिकरण के लिए ही राजनीति होगी, परिवार के लिए ही राजनीति होगी, वहां तो यही होगा। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरे। बता दें कि इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो लोग नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। वो लोग नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुकी है। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुका है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।